सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अमित टेक्नो। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित कुमार और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब वीडियो पर जो है एंड स्क्रीन कैसे सेट कर पाएंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के साथ सोचते अंत तक बने रहिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल रंग का बटन दिख रहा है, उसको दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आपको उसके बाद बेल आइकन का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्रेंड्स हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इस टॉपिक को जो है पूरा क्लियर कर दूँ कि किस प्रकार से जो है आप अपने मोबाइल से अपने YouTube वीडियो पर एंड स्क्रीन कैसे ऐड कर पाएंगे, वो इस वीडियो में मैं आपको लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हम अपने मोबाइल स्क्रीन को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से देख सकते हैं, ये मेरा वो फ़ोन है जिसमें हम आपको पूरा डिटेल से मैं आपको बताऊँगा। ये रेडमी का फ़ोन है, इसमें आपको पूरा डिटेल से मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने यूट्यूब वीडियो पर जो है एंड स्क्रीन कैसे सेट कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें आपको क्या करना होगा, तो इस प्रकार से साइड में ये इसका होम स्क्रीन यहाँ पर ओपन हो चुका है और इसके बाद जो है आपको इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो है आपको इसमें क्रोम ब्राउजर सिंपली सा अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने इस फ़ोन को जो है क्रोम ब्राउजर को जो है यहाँ पर ओपन कर ले रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो है मैं इस में जो है इसका क्रोम ब्राउजर को कुछ इस प्रकार से मैं ओपन कर लिया और क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद इसमें आपको टाइप करना होगा यूट्यूब। आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना होगा यूट्यूब। टाइप करने के बाद सिंपली साइज को जो है आपको सर्च कर देना और फ्रेंड जैसे ही आप अपने क्रोम ब्राउजर में यूट्यूब टाइप करने के बाद सर्च कीजिएगा और उसके बाद ही आपका एक फर्स्ट साइट मिलेगा जो कि वो यूट्यूब का ऑफिशियल साइट है, उसको आपको सिंपली सा जो है आपको ओपन कर देना है कुछ इस प्रकार से। और ओपन करने के बाद उस एप्लीकेशन में आपको सिंपली सा यहाँ पर ये जो यूट्यूब जो है वो ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा कुछ, उसके डैशबोर्ड इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो और ये इस प्रकार से ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर जो थ्री डॉट दिखेगा यहाँ पर क्रोम ब्राउजर पर, उस पर आपको सिंपली सा टैप करना है। जैसे ही टैप कीजिएगा तो यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पर नीचे इसको इस प्रकार से स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट का वहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा जिस पर आपको यहाँ पर आपको टिक कर देना है। जैसे ही टिक कीजिएगा तो ये जो यूट्यूब का ऑफिशियल जो साइट है इस प्रकार से डैशबोर्ड जो ओपन हुआ है वो एक डेस्कटॉप के साइट में जो है ओपन हो जाएगा। और इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार से राइट साइड में आपको मिल जाएगा एक आपके यूट्यूब चैनल का लोगो मिल जाएगा, उस पर आपको सिंपली सा टैप करना है। जैसे ही टैप कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिस ऑप्शन का नाम है योर चैनल, उस पर आपको सिंपली सा आपको टैप करना है। जैसे ही टैप कीजिएगा तो टैप करने के बाद इस प्रकार से जो है आपका यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा। यूट्यूब चैनल ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली से आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक कस्टमाइज चैनल का, उसके बाद आपको मैनेज वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा। तो उसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कस्टमाइज चैनल पर आपको सिंपली सा इस प्रकार से क्लिक करना है और जैसे ही आप टैप कीजिएगा तो आपका चैनल जो है कस्टमाइजेशन होकर ये यूट्यूब स्टूडियो में ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इस प्रकार से आपको यहाँ पर कुछ यहाँ पर यूट्यूब कस्टमाइजेशन का यहाँ इस प्रकार से पेजेस आ जाएगा और पेजेस आने के बाद यहाँ पर आपको ये थर्ड ऑप्शन पे आपको वीडियोज़ का ऑप्शन है, उस पर आपको सिंपली सा आपको टैप कर देना है। और जैसे ही टैप कीजिएगा तो यहाँ पर आपके चैनल के सभी वीडियोज यहाँ पर आपको शो करेंगे। तो इस प्रकार से सपोज में आपको यहाँ पर वो सिलेक्ट करना है जिस वीडियो में आप एंड स्क्रीन लगाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जैसे ही टैप कीजिएगा तो यहाँ पर जैसे कि हमने टैप कर लिया इस वीडियो को, सपोज सिलेक्ट कर लिया हमने और इस वीडियो को जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर जो राइट साइड में इस प्रकार से आएगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारा इसमें आपके वीडियो के डिटेल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर शो करेगा। और वीडियो डिटेल्स के शो करने के बाद यहाँ पर आपको राइट साइड में ऑप्शन आएगा ये पब्लिक और उसके बाद आई कार्ड्स का ऑप्शन आएगा, उसके बाद सबस्टाइल्स का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपको आएगा एंड स्क्रीन का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर जो है आपको एंड स्क्रीन पर सिंपली से आपको जो है टैप करना है। जैसे ही टैप कीजिएगा तो यहाँ पर आपसे एक वो टेम्पलेट पूछेगा और टेम्पलेट इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिएगा। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको जो एंड स्क्रीन का वीडियो सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा, आप कहीं भी से भी जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद जो है आपको सबसे पहले तो वीडियो में आपको लगा लेना होगा, वीडियो में लगाने के बाद उसके बाद जो है आपको वीडियो अपलोड करना होगा। ये जो वीडियो मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट जो किया हूँ इसमें एंड स्क्रीन ऑलरेडी लगा हुआ है, मैं इसमें आपको सिर्फ सेट करना मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि किस प्रकार से जो है एंड स्क्रीन आप सेट कर पाएंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स वही आपको टेम्पलेट यहाँ पर सेलेक्ट करना है जो कि जिस प्रकार से आप टेम्पलेट अपने वीडियो के एंड स्क्रीन में लगाए होंगे वही आपको यहाँ पर जो है टेम्पलेट यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। और टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद इस प्रकार से आपको जैसे ही टेम्पलेट सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि इस आपको वीडियो यहाँ सेलेक्ट करने के यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली सा यहाँ पर जो है आपको वीडियो पर टैप करना है और जैसे ही वीडियो पर टैप कीजिएगा तो यहाँ पर आपके चैनल के सभी वीडियो यहाँ पर शो करेंगे और यहाँ पर जो है आप अपने अदरवाइज चैनल के भी यहाँ पर वीडियो आप यहाँ पर देना चाहते हैं एंड स्क्रीन में तो अदरवाइज के भी वीडियो दे सकते हैं। आप जिस वीडियो को देना चाहते हैं इस एंड स्क्रीन में तो उस वीडियो का लिंक जो है सिंपली से यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। जैसे ही पेस्ट कीजिएगा और पेस्ट करने के बाद जो इस प्रकार से जो यहाँ पर आपका वीडियो आ जाएगा और वीडियो आने के बाद जो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली सा मैं अपने यूट्यूब चैनल का यहाँ पर वीडियो जो मैं सेलेक्ट करूँगा, अदरवाइज चैनल का मैं यहाँ पर वीडियो सेलेक्ट नहीं करूँगा। तो यहाँ पर वीडियो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिर उसके बाद आपको एक और वीडियो सेलेक्ट करना है ताकि फ्रेंड्स दो दो एंड स्क्रीन में टेम्पलेट वाला जो मैं
यहाँ पर एंड स्क्रीन सेट किया हूँ। तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर दूसरा वीडियो भी इसी प्रकार से आपको ले लेना होगा। वीडियो लेने के बाद यहाँ पर फिर अब आता है ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको चैनल के भी यहाँ पर आपको इस प्रकार से प्लस वाले बटन पर क्लिक करना होगा। प्लस वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आप प्रकार से आपको जो है उस पर टैप करना होगा। जैसे टैप कीजिएगा तो यहाँ पर आपका ऑलरेडी यहाँ पर चैनल यहाँ पर आ जाएगा, उस पर प्रकार से आपको अपने चैनल पर टैप करना है। और यहाँ पर वीडियो वगैरह सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको डन का ऑप्शन मिल जाएगा, उस प्रकार से आपको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर ऊपर जो है आपको पब्लिश का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर भी आपको टैप करना है। जैसे ही टैप कीजिएगा तो आप अपने वीडियो में जो भी एंड स्क्रीन लगाए होंगे वो यहाँ पर जो है लास्ट में जब भी कोई भी आपको आपके वीडियो को जो है प्ले करके देखता है तो एंड स्क्रीन में ऑलरेडी जो है आपका वीडियो यहाँ पर शो करने लगेगा। तो इस प्रकार से जो है आप अपने YouTube वीडियो पर जो है यहाँ पर एंड स्क्रीन ऐड कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट में बता दीजिएगा, और अगला वीडियो जो है किस टॉपिक पर बनाएं यह भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।